भैया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो आ मेरे सामने खड़ा हुआ। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने बेच दी, हमसे हमारे विश्वविद्यालय छीन लिया, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे। चोर चोर मुसेरे भाई, वो है मोदी नंबर दो। बिल्कुल इनाम रख रहे हैं, उनके पास है क्या देने को? मुझे समझ नहीं आती, खुद का घर तो भीख मांग के चलाते हो, खुद का घर तो मतलब तुम लोगों का घर परिवार तब तक पलता नहीं है जब तक तुम चढ़ावा नहीं चढ़ता तुम्हारे मंदिरों में या जगहों पे, या तुम कोई पखंड जिसे कहते हैं कहीं पे चले जाओगे तो अच्छा जी ये पूजा कर लो, ये हवन कर लो, ये तिथि आ गई, ये डेट आ गई। खुद का काम तो तुम्हारा वैसे बनता नहीं और तुम दूसरों के लिए निकालते हो, भविष्यवाणियां करते हो और दूसरों को कहते हो कि जी किसी का सर कलम कर देंगे हम, तो अगर कोई इतना नहीं है 50 लाख रुपए देंगे सर कलम। मुझे लगता है कि 50 रुपए भी कभी ज़िंदगी में अपनी मेहनत के कमा के देखे इनसे पूछो, अगर भीख नहीं मांग के देखे तो। ये तो हाल है। और रही बात आपकी बात की, हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें आदत हो चुकी है क्योंकि इस देश में अब युवाओं को भी समझ आना चाहिए और हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपसे डरता है ना, डरपोक, जो डरपोक है असली में खोखला है, वो आपको धमकियां देगा, जो कुछ नहीं कर सकता। पिया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो आ मेरे सामने खड़ा हुआ। एक सेकंड, वो संत है तो क्या हम क्या हैवान है? अच्छा वो होंगे परमहंस, उन्होंने खुद को अपने आप को इस चीज़ से नवाजा होगा, हम नहीं मानते। अगर संतों, आपने देखा होगा क्या संतों महापुरुषों की वाणियां इस तरीके की होती हैं? मैं भी सिख समुदाय से हूँ, मेरे घर पे भी धार्मिक लोग हैं, मैं अपनी माँ को ही देख लेती हूँ यार, वो अगर सुबह उठ के पूजा पाठ या पाठ पढ़ती हैं, कुछ करती हैं, मैंने भी अपने घरों में देखा, कभी कोई ऐसा मैंने बुखलाते हुए नहीं देखा, किसी को जान मार काटने की धमकियाँ देते हुए नहीं देखा। सो आई हैवंट सीन, वो किस चीज़ का, वो धर्म नहीं, वो धंधा होता है जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारी दुकान चलना बंद हो जाएगी। आपको ना एक्चुअली जिस तरीके से वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला ले लीजिए, अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएँ ले रहा है, जिस तरीके से बाबा साहेब ने वो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी, मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जिसने सबसे पहले उन चीज़ों को लिखा था और प्रमोट किया था, जिस विच इज़ डॉक्टर बाबाराव भीमराव अम्बेडकर, जिसने तुम लोगों के देश का संविधान लिखा, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना लर्नड इंसान होगा, कोई बात हवा में तो की नहीं होगी। अब ये मूर्ख जो खुद अपना घर छोटे छोटे धंधे बिजनेस करके चलाते हैं इस तरीके से लोगों को मूर्ख बना के, ये बताएंगे? वो एक डर था, वो एक बौखलाहट थी कि हमारी चलती फिरती दुकान बंद हो जाएगी। वो देखिए भावनाएं गई भाड़ में, वो कौन सी भावना जो हाथ आहत हो जाती है? भैया ये कैसी भावना है तुम्हारी, हर बारी भावना, इस भावना को ना मेरे पास लेके आ, आई वॉन्ट टू स्कूल दिस भावना। मुझे लगता है कि भावना बेचारी बड़ी बेबस है, लाचार है, इसका साथ कोई दे नहीं रहा। इस भावना को पकड़ के ना मेरे पास ले आओ, हम इसको मजबूती देंगे, इसको एजुकेट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि ये मजबूत हो, ताकि ये छोटी छोटी बातों से बेचारी आहत ना हो। मुझे लग रहा है ये अकेली रह चुकी है भावना इस देश में, ये धंधा ही है, ये धंधा ही है। दिस इज जो धर्म होता है ना वो जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो जो धर्म तोड़ने की बात करता है, जो धर्म नफरत की बात करता है, किसी को मारने की बात करता है, तो वो धंधा होता है क्योंकि आपको डर लगता है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपके देश में संविधान है, आपका देश संविधान से चलता है। भाई अगर तू संत है, तुझे इतनी दिक्कत है, तो जाना कानून का सहारा ले, FIR दर्ज करवा, कानून के तरीके से चल, जो कानून कहता है उसको फॉलो कर। मेरे पे भी तो 2-2 मुकदमे हुए हैं, तो क्या मैं जाके बोलूं कि मैं किसी का गला और सिर कलम कर दूंगी, काट दूंगी? नो, दिस कंट्री विल गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और आप ऐसी बकवास बातें करते हैं, ये अच्छा तुम लोग कहते हो ना, आप लोगों ने सुना होगा हम जैसे लोगों को बोलते कि भैया हम तो आंदोलनजीवी हैं या हम तो एंटी नेशनल्स हैं। ये है एंटी नेशनल्स की जुबान वाणी, जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। बिल्कुल होना चाहिए, जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं तो जेल में कैसे हो सकते हैं? बात ये, मुद्दे की बात ये कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग बेईमान हैं, जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स है, आरोप है, वो लोग ही सत्ता में पावर में बैठे हैं। तो फिर आप जस्टिस की बात किससे करोगे? आप अगर आप मेरा गला काट रहे हो, आप मुझे मार रहे हो, तो मैं आप ही के पास न्याय मांगने आऊंगी क्या? ओहो, इनकी वो भावना में बह जाए, हम भावना में बह के कुछ बोल दें, हमने कोई चीज बोल दी तो वो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती है। पास ही कैसा, या वो प्यार ही कैसा, वो धर्म ही कैसा जो किसी के कहने पे खत्म हो जाए, टूट जाए, वो क्या चीज है? मतलब मैं अगर किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे भड़का दिया तो मैं भड़क जाऊँ, ये मेरा प्यार है, ये मेरा विश्वास है? बिल्कुल हेट स्पीच में आता है, ऑफ कोर्स आता है ये हेट स्पीच में। तो यही तो चीज़ है, जब देश का कानून इतना कम इन्होंने कर रखा है, सारी चीज़ें अपने हाथ में कर रखी है, तो फिर आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? एक ही चारा बचता है, सड़कों पे आओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसे मुझे तो लगता है, ये तो आई डोंट नो जिनके बारे में कहा है,
उनको अगर थोड़ी सी भी सोझी हो तो वो जाएं एफआईआर करवाएं एससी एसटी एक्ट के अंदर, क्योंकि वो दलित हैं नेता और एससी धर्म एससी कम्युनिटी से हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि जब आपको पब्लिकली कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा है और वो वकील भी हैं, तो भाई जी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जाएं थाने में एससी एसटी एक्ट लगवाएं और इस हेट स्पीच को वहीं पे एंड करें, ताकि आज आपको धमकी दिया, आप तो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी एक सेकेंड इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी धमकी किसी ऐसे और इंसान को ना मिले जिसके पास, जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास लोग नहीं है पीछे, समझे। तो खैर अगर लोग नहीं भी हैं तो डॉक्टर रितु महमूद प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप जी हमेशा खड़े हैं मुस्लिमों की आवाज़ बनके, हम हमेशा हरे के साथ। एस एस एक्ट के अंदर एफआईआर करवाई, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो उन्होंने किया है। तो ये तो गौतम जी से आप पूछना, मैं गौतम जी की असिस्टेंट थोड़ी हूँ। ओहो, आरएसएस को चिंता ये हो रही है, हिंदू काम हो रही है देश में, आरएसएस खुद हिंदू हैं, हिंदुओं की इससे बड़ी सरकार जो सरकार उनकी है, सरकार बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की सरकार है, और अभी भी उनको चिंता हो रही है। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने बेच दी, हमसे हमारे विश्वविद्यालय छीन लिया, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे हैं। पहले खुद कर चल के देखें उस अमल, उनको बोलो उतरो, पहले जिस पोजीशन पे बैठे हो ना उतरो वहाँ से, वो कुर्सी छोड़ो, खत्म करो आरएसएस को, आरएसएस सारी चीज़ों की जड़ है, आप आरएसएस को खत्म कर दीजिए, सारी चीज़ें खत्म, क्या करें संगठन है, अगर कोई संगठन मानवता की बात नहीं करता, मानवता के अधिकारों के, मनुष्य के अधिकारों की बात नहीं करता, इंसान को इंसान से लड़ाता है, नफरतों में बांधता है, धार्मिक विवाद करता है, कम्युनल राइट्स करता है, तो फिर किस चीज़ का वो संगठन हो। मैंने बार बार बोला कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, जिस दिन वो करेंगे प्रैक्टिकली, आप मैं आई वुड लिटरली लाइक टू बिलीव कि उनको बोलो अपनी कुर्सी छोड़ें, छोड़े उस कुर्सी को और किसी शोषित समाज के बंदे को अपनी कुर्सी दे दे, दलित शोषित समाज को, कि आज से आरएसएस का संगठन ये चलाएगा और आज के बाद हमारे में धर्म विशेष की बात नहीं होगी और वर्ण आश्रम की बात नहीं की जाएगी, खत्म सारी जातियां, करो सब रोटी बेटी का संबंध शुरू करो, सारे आपस में एक दूसरे के घर विवाह होगा, शादी होगी एक दूसरे के घर, और हम नहीं बोलेंगे इस देश को स्वतंत्र, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ये बात नहीं करेंगे, दिस इज सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, वो बोले हमें संविधान पर विश्वास है, तो मैं मानती हूँ मोहन भागवत जो बकवास बोल रहे हैं वो सही। चोर चोर मुसेरे भाई, वो है मोदी नंबर दो, और जितना एक होता है सामने से छुरा मारना, तो अगर मुझे, हमें पता है कि भाजपा सरकार हमारे अधिकार लेके जा रही है, ये सारा आरएसएस का नेक्सस चल रहा है, वो हमारे अधिकार छीन रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो हमें सामने से पता है, तो हम उसका उपाय क्या करते हैं, अगर हमारे हकों को जैसे एससी एसटी एक्ट को डिल्यूट किया, रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर किया, तो हम जमीन पे उतरे, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पता है ये छुरा सामने से मार रहा है, और ये एक ऐसा शख्स है जो पीछे से छुरा खोपता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, मोदी तो खतरनाक है, बीजेपी खतरनाक है, लेकिन ये जो शख्स है अरविंद केजरीवाल, ये ज्यादा खतरनाक है, और ये ज्यादा खतरनाक किसके लिए है, मैं बता दे रही हूँ, एससी एसटी के लिए, और सबसे बड़ा दुश्मन ये मुसलमानों का, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान इंसान है ये, जहां पे ये धंधा, इसको कहते हैं बिजनेसमैन, जिसे कहते हैं ना बनिया, बिजनेस कैसे करना है, कहां पे किसकी तस्वीरें करके लगाकर धंधा करना है, पंजाब में गया तो पता था पंजाब में 32% प्लस पॉपुलेशन है एससी की, शेड्यूल कास्ट की, वहां पे लगाई बाबा अंबेडकर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ऑफिस में और किया खुलेआम प्रचार, अब कहां है दिल्ली में आपको बाबा अंबेडकर की, एससी तुम क्या मतलब, आपने पहली बात है राजेंद्र पाल को उतारा है क्यों कुर्सी से, आप मेयर को सिंपल, मैं इस चीजों में नहीं जाना चाहती, मुझे सिंपली इस चीज का जवाब दो कि इससे अब गुजरात में वोट चाहिए हिंदुओं का तो वहां पे राम राम, बगल में छुरा, यहाँ पे पता था 33% दलित हैं पंजाब में तो फिर उधर वहां जाकर बाबा साहेब का नाम बेचा, जहां पे जो चीज बिकती है इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, ये वहां जाके उसी चीज का सौदा करता है, वो चीज बेचता है, तो हम क्या मूर्ख है, इसीलिए तो नहीं कर रहा ना कांटे का सौदा, तो ये चीज तो हमें समझने की जरूरत है ना, मूर्ख तो हम है, अगर एससी एसटी ये चीज नहीं समझेंगे, हम जैसे लोग जो शोषित वर्ग है, जिस तरह माइनॉरिटीज होगी, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हम जैसे लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे कि भैया ये धंधा कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, हमें तो वहाँ से जहाँ जहाँ जिन जिन ऑफिस में इन्होंने लगाया है ना प्रचार करके बाबा अंबेडकर का, वहाँ से वो प्रतिभाएं उठा के इज्जत से वापस लेके आनी चाहिए कि ये बिजनेस मत करो हमारे महापुरुषों के नाम पर। भगत सिंह भी, हमारे शहीद भगत सिंह भी, हम भगत सिंह की फोटो लगाई है तो डबल, वही तो मैं कह रही हूँ, डबल बिजनेस किया है, एक तरफ सिख कम्युनिटी को वो उकसाया ऑफकोर्स पूरा तरीके से सामने, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब हमारा समाज जागरूक होगा, जब हमारे समाज की बुद्धि में विकास होगा, और ये मैंने बार बार बता दिया एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज के दुश्मन कोई हैं तो ये दो चेहरे, कोई नहीं फ्री मिल रहा, ये दोबारा मत बात बोलिएगा फ्री मिल रहा है, कहां से फ्री मिल रहा है, एससी एससी सब लाइन का पैसा कौन देगा, आप एक तरफ से जेब काट रहे हो, ये मैंने आपको पकड़ा है 100 रुपए, मैंने 100 रुपए इसमें 100 रुपए पकड़ाए और मैंने आपके आपसे 90 रुपए छीन लिए और आपको 10 रुपए देके उल्लू बना दिया, वो 90 रुपए का हिसाब कौन मांगेगा, आप मांगोगे कि मैं मांगूंगी, नहीं आपको एक सेकंड
एक सेकेंड, वो 90 रुपए का हिसाब मांगने में चूक आप लोगों ने की। हमारा जो SC ST, सुनिए बात ध्यान से, दिल्ली में कितने परसेंट पॉपुलेशन है, जितने परसेंट SC की पॉपुलेशन है उतने परसेंट हर साल बजट एलोकेट होता है, और वो बजट कभी भी SC के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो बजट जो दलित समाज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसी बजट को घुमा के दे दी बिजली फ्री, दे दी जिन लोगों के पास मिलियन मिलियन अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया, आप उनको बिजली फ्री दे रहे हैं दलितों के पैसे से, कौन सवाल करेगा? हम जैसे पढ़े लिखे शिक्षक और ये जो आज वकीलों की मीटिंग में आप आए हो, एडवोकेट महमूद प्रचंड जैसी शख्सियत और भानु प्रताप जैसी ये लोग, हम लोग मिलकर उस चीजों पर लड़ रहे हैं। में जाए आप केस, एक सेकंड, आप केस ये जो चेहरा है ना इस केजरीवाल का, बहुत जल्द हम खोलने वाले। ये मूर्खों की बात मेरे साथ मत करो आप लोग, कि नोटों पे फोटो आनी गणेश जी की, आप किस अज्ञानता में डाल रहे हैं नोटों पे? इकोनॉमी इस चीज से नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी रोजगार देने से, काम देने से, बिजनेस खोलने से, प्राइवेटाइज नहीं करने से लोगों की हमारी। मैं किस क्यों ना हो लक्ष्मी पूजा, जिसको करनी है, अगर आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है आप लक्ष्मी की कीजिए, राम की कीजिए, आप गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में, मस्जिद में जाइए। दिस इज नॉट अ धार्मिक एजेंडा, दिस इज एन एजेंडा जो युवा की डिमांड है। आज आपको रोटी खानी है तो लक्ष्मी पूजा आपकी वो भावना है, बट वो आपको रोटी नहीं देगी अनलेस और अंटिल आप बाहर जाएंगे। हम पंजाबियों में कहते हैं किरत कमानी, 10 नवों से किरत कमानी। जब तक आप अपने पैरों का, टांगों का, हाथों का इस्तेमाल करके खाना नहीं कमाएंगे ना, बाहर जाके कमाई नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, वो नोट भी नहीं आएंगे लक्ष्मी। मैं वही तो कह रही हूँ भाई, मेरा गला थक गया था, इतने समझ ना आई। मैंने यही कहा कि भैया ये बिजनेस है, ये बिजनेस, ये इससे बड़ा पढ़ा लिखा तो है ही, उसको पता है मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको पता है कि पंजाब में 33% ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे जाके इसको बेचना है। अब वहाँ पे हिंदुओं का वोट लेना तो अब राम राम करो, बगल में तो छुरा ही है, अब वहाँ पे जाके इस तरीके का नैरेटिव फैलाओ, लोगों को मूर्ख बनाओ, समझ गए?